डायबिटीज के बारे में, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके होने के कारण क्या होते हैं। पैनक्रियाज ग्लूकोज रिलीज होता है, इंसुलिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट, डायबिटीज के और खाना खाने के बाद अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ अवेयरनेस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गई हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी डायबिटीज के बारे में। खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से हमारे देश में ये बहुत तेजी से लोगों को हो रहा है। पहले तो एक एज के बाद लोगों को ये बीमारी होती थी, अब तो किसी भी एज में ये दिक्कत लोगों को हो रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। यहाँ पे 7.8 करोड़ लोग डायबिटिक है और लगभग 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है। ये आंकड़ा तो आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर अभी से आप इस बीमारी पे ध्यान नहीं देंगे, उस पे वर्क करना नहीं शुरू करेंगे, तो ये बहुत तेजी से लोगों को हो रहा है और आगे के समय में तो हमारे देश में बहुत तेजी से लोग इससे ग्रसित होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके होने के कारण क्या होते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो अपनी डायबिटीज को ना कि सिर्फ कंट्रोल में कर पाएंगे बल्कि रिवर्स कर पाएंगे। और साथ में आपको मैं कुछ टिप्स भी दूंगी जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में कर पाएंगे, और अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत नहीं है तो आप उससे बचे रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है फिर भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घरों में से ही कनेक्ट रहे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है। हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा, एक ग्लूकोज की मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, और जब हम कुछ खाते हैं तो उससे जो ग्लूकोज रिलीज होता है, इंसुलिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जिससे कि ग्लूकोज में तो बहुत तेज़ी से स्पाइक आता है, बहुत तेज़ी से बॉडी में फैलता है, लेकिन उतनी तेज़ी से पैनक्रियाज से इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है हमारा बॉडी। इसलिए हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हमें डायबिटीज हो जाती है। इसी तरह अगर बात करें तो डायबिटीज तीन तरह की होती है। प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज। प्री डायबिटीज वो होती है जब हमको लक्षण दिखाई देते हैं कई तरह के, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज होने वाली है या थोड़ी बहुत उसके लक्षण दिखने लगे हैं। अगर उसी समय कंट्रोल कर लिया जाए तो हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज तो बहुत तेजी से रिलीज होता है, लेकिन उतनी तेजी से पैनक्रियाज से इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं हो पाता है, इसलिए ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती हमारी बॉडी और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी तरह अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाए सही समय पर, यानी टाइप 2 डायबिटीज पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये आगे जाके टाइप वन डायबिटीज का रूप धारण कर लेती है, यानी कि और खतरनाक हो जाती है। हम कुछ भी खाते हैं उससे ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचता है, लेकिन इंसुलिन का सेक्रेशन बहुत ही कम हो जाता है। इससे ये होता है कि डायबिटीज की वजह से हमारे कई सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक डैमेज होने का डर होता है। इसलिए ये दिक्कत तो इतनी खतरनाक हो जाती है कि इस पे काम करना यानी कि इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आइए अब जानते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स की बात करें तो शुरुआती तौर पे आप बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं, कुछ भी थोड़ा काम करते हैं आपकी बॉडी बहुत ही टायर्ड फील करती है, आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और खाना खाने के बाद भी आपको खाने की क्रेविंग होती है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होता है जिसकी वजह से आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, ब्लड प्रेशर भी आपका हाई रहता है। अगर ये सब दिक्कतें बहुत समय तक बनी रहती हैं तो आपका विजन भी ब्लर हो सकता है। अगर ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो अभी से डायबिटीज के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी उसको कंट्रोल करना थोड़ा संभव है। आइए अब
बात करते हैं डायबिटीज होने के मेन रीजन के बारे में। पहले तो इसको लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है, यानी कि हमारा गलत खानपान, हमारी खराब लाइफस्टाइल इसका मुख्य कारण है। गलत खानपान की बात करें तो हमारे खाने से दिन ब दिन न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा हम जंक फूड खाने लगे हैं, पैकेट फूड खाने लगे हैं, जिसमें न्यूट्रिशन तो ना के बराबर होता है। हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम हो गई है, प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की दिक्कत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा तेल मसाले का खाना और ऑयली खाना और सुगरी खाना खाने की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। साथ ही में खराब लाइफस्टाइल, यानी कि आपके सोने का उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, बहुत लेट नाइट आप खाना खा रहे हैं, आपके खाने में आपको गुणवत्ता नहीं मिल रही है। साथ ही में अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ये सभी वजह है जिसकी वजह से आज के समय में डायबिटीज़ की दिक्कत बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल एक्टिव भी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप बिल्कुल आराम से जी रहे हैं, किसी प्रकार का वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से डायबिटीज़ की बीमारी इस समय बहुत तेज़ी से फैल रही है। साथ ही में ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपके परिवार में किसी को पहले से डायबिटीज़ है तो हो सकता है आपको भी हो जाए। एज भी एक इसका मुख्य कारण है, क्योंकि आफ्टर 40 इयर्स के बाद में डायबिटीज़ की जो खतरा है वो पहले से ज़्यादा, मतलब कम एज की अपेक्षा 40 के बाद में इसका खतरा बढ़ जाता है, इसलिए एज भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। साथ में ओवरवेट होना, यानी आपका मोटापा बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी वजह है कि आपको आगे चल के इन सब बीमारियों की वजह से डायबिटीज भी हो सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि आप अपनी हेल्थ के प्रति, अपने खान पान के प्रति, अपनी लाइफ स्टाइल के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से भी डायबिटीज़ की दिक्कत दिन ब दिन लोगों में बढ़ती जा रही है। ये तो हमने बात करी कि डायबिटीज़ क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके मेन रीज़न क्या है। आइए बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे, यानी कि कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं जिनको अगर आप रेगुलर लेते हैं तो डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में रहेगी। सबसे पहले तो है मधुनाशिनी सुंठी एंड त्वाग। ये एक ज़बरदस्त हर्बल प्रोडक्ट है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, नेचुरल तरीके से बनाया गया है। इस टैबलेट में तीनों ही हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ये आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखता है, ये आपके ब्लड ग्लूकोज के हेल्दी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हुए पैनक्रियाटिक फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपका इंसुलिन भी इन्हेंस होता है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है, ये सभी मिलकर आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, आपको डायबिटीज से बचा के रखते हैं। न्यूट्रीलाइट की मधुनाशिनी सुंठी एंड त्वाग को DNA फिंगरप्रिंट टेक्निक से तैयार किया गया है, यानी कि आपको इसकी हर टैबलेट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का हर्ब्स मिलता है, जो कि आपके लिए वरदान की तरह है। आपको दिन में 2 टैबलेट इसकी लेनी है, यानी कि एक सुबह और एक शाम। न्यूट्रीलाइट का जो अगला प्रोडक्ट है डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए, वो है न्यूट्रीलाइट का फाइबर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें खान पान में की गुणवत्ता इतनी कम हो गई है, उसमें फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से डायबिटीज़ की दिक्कत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको अलग से फाइबर लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। फाइबर से धीरे धीरे आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, सडन स्पाइक नहीं आता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, डायबिटीज आपका कंट्रोल में रहता है। ये सोल्यूबल फाइबर है, प्लांट बेस्ड फाइबर है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और आपके लिए बेस्ट है। न्यूट्रीलाइट का जो अगला प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है, उसको मेंटेन रखता है। न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और पूरी तरह से वीगन है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसके 10 ग्राम प्रोटीन से आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जिससे कि आपकी दिन भर की प्रोटीन की जो नीड है वो भी पूरी होती है और आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है और आप हेल्दी भी रहते हैं। जो अगला प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट का डेली प्लस। इसमें 24 विटामिन और मिनरल्स है जो आपकी डेली न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करते हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, जिससे कि आप डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रहते हैं। इन तीनों ही प्रोडक्ट का मैंने सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है,
इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ जाके आप डिटेल में इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है या फिर आपको इनको बाय करना है या पूरी बास्केट आपको बाय करनी है, इसके लिए आप मुझे कॉमेंट कीजिए, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। आई होप हमेशा की तरह जो मैंने आज वीडियो आपके साथ में शेयर किया है, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की है, वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लाइक करना भी ना भूलिए। जिनको डायबिटीज की कोई दिक्कत है उनके साथ में तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ में उनकी भी हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक आप और मिलके ग्रो करते हैं।